हेलो गाइज, नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नीतीश कुमार, पीएम मोदी, अमित शाह एवं जेपी नड्डा से एक शिष्टाचार भेंट किया। इस भेंट में नीतीश ने कहा, अब इधर उधर मैं नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी बदलाव नहीं करूंगा, आप एनडीए में ही रह करके अब लोकसभा चुनाव का तैयारी करेंगे। ये सारा चीज इन तीनों के मध्य मोदी राज्यसभा अभिभाषण में कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे। बोले, युवराज को स्टार्टअप ना कर पा रहा है कांग्रेस, ना ही लॉन्च कर पा रहा है। चुनाव आयोग ने शरद गुट के पार्टी को नया नाम दिया है, जिसका नाम रखा है शरदचंद पार्टी। अखंड सरकार ने इतिहास रच दिया। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को विधानसभा में यूसीसी बिल पास कर दिया है। धामी सरकार ने यूसीसी बिल पास करने वाला पहला मुख्यमंत्री बन गया है। झारखंड में पुलिस बाल एवं नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान में गए हुए पुलिस कर्मियों पर पहले से घात बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जब तक पुलिस वाले समझ पाते, तब तक दो जवान को गोली लग चुकी थी, मौके पर ही शहीद हो गए और तीन जवान घायल बताए जा रहे हैं। उनको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। ये नक्सली हमला बहुत दिनों बाद हुई है, क्योंकि चतरा पे पुलिस वाले हमेशा सर्च करते रहते थे और इस तकरीबन 2-3 साल दरमियान में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटी थी, और ये अचानक घटना घट जाना ये पुलिस बाल के लिए चुनौती है। अब जैसे ही घटनास्थल ये घटना घटी, पुलिस बाल को तुरंत वहां से भेज दिया गया है। आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धर पकड़ करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन को मुश्किल काम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी ने व्हाट्सएप चैट अब कोर्ट को सौंपा है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में सचिन दास का बेहतरीन प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध किया है, जिसमें उसके पिता उन्हें बहुत खुशी जाहिर किया। सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हुए उनका अपना पुत्र का नाम सचिन नाम से ही रखा। अर्जुन खड़गे ने यह बात कही, कांग्रेस को आलोचना ना करे, यह मोदी को रहा नहीं जाता है। ईडी की शिकायत पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को समन जारी किया गया है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 217 लोगों की घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सीएम से मुलाकात करने की भरपूर कोशिश की, परंतु मुलाकात नहीं हुई तो चक्का जाम भी। हमास के बीच खून खराबे के बीच हमास ने युद्ध विराम करने की पेशकश की है, परंतु इजराइल के प्रधानमंत्री ने अभी तक इसका पुष्टि नहीं किया है। पाकिस्तान में भीषण धमाका, बलूचिस्तान प्रांत में वोटिंग से पहले भीषण हमला हुआ है, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब के बीच हुती विद्रोहियों ने दोस्ती करने की पेशकश की है। फैंस को याद आया गौतम गंभीर और धोनी का पारी। अंडर-19 में उदय सहरान और सचिन दास के बीच अफ्रीका के विरुद्ध जो लड़खड़ाई हुए भरते पारी को संभाला, इस पर फैंस ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं धोनी एवं गंभीर के रूप में दे रहे हैं। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेने के क्रम में उनका रैंक अचानक छलांग लगाकर नंबर 1 का ताज हासिल किया। ऋषभ पंत क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली के कोच रिंकी पोटिंग ने यह बताया।